हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दिस इज क्लास 8th। ओके, आवर टुडेज टॉपिक इज मटेरियल्स, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, एज वी नो दैट आई टोल्ड यू अबाउट बेसिक डेफिनेशन ऑफ मेटल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। देन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अंडरस्टैंड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। जो अपना मेटल्स है वो उस केमिकली वो कैसे रिएक्ट करता है, किस किस के साथ रिएक्ट करके किस टाइप से शो होता है, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। ओके, देन अपने पास में यहाँ पे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी हैं। ठीक है, तो अपन इसमें बात करेंगे मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। ठीक है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। देन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। वाटर के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाते हैं, इसके बारे में अपन बात करेंगे। देन मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ ये रिएक्ट करता है और फिर क्या बनाता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। अपन केमिकल रिएक्शन से तो देखेंगे ना, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो अपने मेटल्स हैं ये केमिकली किसके साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। अंडरस्टैंड, नाउ अपन की रिएक्शन से देखेंगे ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ एंड विद सॉल्ट वाटर। अपना जो मेटल्स हैं वो सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, इसके बारे में अपन बात करेंगे। रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में ये रिएक्ट कैसे करेंगे। ओके, तो इसका अपने पास फॉर्मूला हो गया O2, तो O2 के साथ रिएक्ट कैसे करेंगे, ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, और डाइल्यूट एसिड। ओके, ये क्या है अपना डाइल्यूट एसिड है, इसके साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाते हैं, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ओके, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है, अपने ये जो मेटल्स हैं ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाएंगे फिर, तो जितने भी अपने मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स। क्या बनाएंगे, ऑक्साइड्स। लाइक इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में अपन बात करते हैं। ये हो गया अपना मेटल्स, मेटल्स के लिए अपन एम ले सकते हैं, तो ये हो गया मेटल, और ये मेटल क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, और ये क्या बनाएंगे, M2O। क्योंकि अपने को पता है कि अपना जो ऑक्सीजन है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, अपन सभी जानते हैं कि अपने जो मेटल्स होते हैं उनकी वैलेंसीज पॉजिटिव होती है, और ये जो ऑक्सीजन होती है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, -2। तो इस टाइप से ये क्या हो जाएगा, ये अपना मेटल हो गया, ये मेटल मतलब जो भी मेटल अपना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा उसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। और ये क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड्स। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ अभी अपन इसको और समझने के लिए अपन कुछ मेटल्स लेंगे। लाइक पहले अपन क्या करेंगे, लिथियम अपन ने लिया, इसकी अपने को पता है इसकी वैलेंसीज क्या होती है, +1, और ये क्या हो गया, ओ। अपने को पता है O2 की क्या होती है, -2, तो ये इससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा, Li2O। ये क्या बना लिया इसने, लिथियम ऑक्साइड। इसी तरह से अपन लेंगे मैग्नीशियम, इसकी भी अपने को पता है +1 होती है, और इस टाइप से ये क्या करेगा, O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, Mg2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ऐसे ही अपन इसकी रिएक्शन करवाएंगे सोडियम के साथ में, तो सोडियम के साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड, Na2O।
ठीक है, क्या बनाएगा ये Na2O सोडियम ऑक्साइड। और इसी टाइप से अपन क्या करेंगे, कॉपर को ले सकते हैं, कॉपर इसके साथ में लेस रिएक्टिव होता है, आई विल टेल यू अबाउट दिस। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्या हो गए अपने, जो भी मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, लाइक लिथियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, अंडरस्टैंड। नाउ इसी टाइप से अपना क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O, अंडरस्टैंड। नाउ इसके अलावा आपने ये जो मेटल्स होते हैं, तो जितने भी अपने मेटल्स होते हैं, ये मेटल्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर, इनका जो मेटल है सॉरी इनका जो नेचर है वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर। जो जितने भी अपने मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। ठीक है, ये बेसिक होते हैं, इट मीन्स ये क्या करते हैं, अपना जो लिटमस पेपर होता है, ठीक है, जिससे अपन एसिड्स एंड बेसेज सबस्टेंसेज को आइडेंटिफाई करते हैं, तो जो लिटमस पेपर होता है वो क्या करता है, ये क्या करता है, जो रेड लिटमस पेपर होता है, ठीक है, रेड लिटमस पेपर को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में। ठीक है, ये क्या कर देता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। और कुछ अपने जो मेटल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं एम्फोटेरिक, ठीक है, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, ओके, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। और ये जो एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं, एम्फोटेरिक मेटल्स होने का मीन क्या हो गया, कि ये क्या करेंगे, जो एसिड्स होते हैं उनके साथ में भी ये वैसे ही रहेंगे, और बेसिस के साथ में भी ये कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है, इट मीन्स इन पे एसिड्स का भी कोई इफेक्ट नहीं होता और बेसिस का भी कोई इफेक्ट नहीं होता, ये न्यूट्रल रहते हैं, चाहे किसी भी मेटल के साथ में ये रिएक्ट कर ले। लाइक अगर अपन बात करेंगे ऐसे मेटल्स, अपने जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक मेटल हैं, बेसिक मेटल होंगे तो ये क्या करेंगे, इनका ब्लू कलर हो जाएगा, जो अगर रेड लिटमस पेपर के साथ अपन इनको रिएक्ट करवाएंगे तो ब्लू कलर इसमें हो जाएगा, अंडरस्टैंड। और ये जो एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं इनमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, चाहे अपन इनकी रिएक्शन बेसिड्स बेस से करवाएं या फिर एसिड से करवाएं, अंडरस्टैंड, ओके। नाउ ओके, नाउ अभी अपन बात करेंगे कि जो मेटल्स होते हैं वो कौन सा मेटल है ऑक्सीजन के साथ में कितना रिएक्ट होता है। सो ऑर्डर टू रिएक्टिविटी, ओके, ऑर्डर टू रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, ठीक है, विद ऑक्सीजन O2 जिसको आप बोल सकते हो। तो ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ में अपन क्या करेंगे, मतलब अपने जो भी मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, मतलब किस फॉर्म में, मतलब कौन सा मेटल है वो कितना रिएक्ट करता है, कितना रिएक्टिव होता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो अपना क्या हो गया, जो पोटेशियम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो सिंबल है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन का, इट मीन्स पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है। फिर क्या हो गया, सोडियम, सोडियम उससे कम रिएक्ट करता है, देन मैग्नीज, देन जिंक, देन इस टाइप से क्या होते हैं अपने पास ये मेटल्स हैं, फिर क्या होता है आयरन एंड कॉपर। तो इस टाइप से क्या हो रहा है, इनकी जैसे जैसे इस तरफ ये इंक्रीज हो रहे हैं तो इनकी जो रिएक्टिविटी है वो लेस हो रही है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गए, मोर रिएक्टिव, मोर ये जो मेटल्स अपने वो मेटल्स कौन से हो गए, मोर रिएक्टिव मेटल, और सेंटर में अपने क्या हो जाएंगे, लेस रिएक्टिव, मतलब इंक्रीजिंग हो रही है इनकी, सॉरी डिक्रीजिंग, इनकी जो रिएक्टिविटी हो रही है वो क्या हो रही है, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, अंडरस्टैंड। नाउ अभी ये क्या हो जाएंगे, लीस्ट रिएक्टिव, इट मीन्स आप देख रहे हो इसमें कि जो कॉपर है एंड आयरन लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। इट मीन्स कॉपर आपको पता है ये, मतलब अपने इन्वायरमेंट में आप इसको फ्रीली रख सकते हो, तो ये क्या, लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्ट करता है ये किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, अभी अपन कुछ और एग्जांपल्स इसके बारे में अभी देखेंगे। ठीक है, तो अपने को पता है पोटेशियम एंड सोडियम होता है वो क्या होता है,
बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन के साथ में। इसीलिए आपने ये सुना होगा कि जो सोडियम होता है और पोटेशियम होता है उसको अपन फ्रीली एयर में ऐसे नहीं रखते हैं। जब भी अपने को इनको रखना होता है, पोटेशियम और सोडियम को जब भी अपन रखते हैं तो अपन किस में रखते हैं, जो अपना केरोसिन ऑयल होता है उसमें डाल के इनको रखा जाता है। इनको फ्रीली ऐसे ही नहीं रखा जाता, क्योंकि अगर आप इनको ऐसे ही रखोगे तो ये क्या बना लेंगे, जो ये मतलब बहुत जल्दी से बहुत तेज़ी से ये किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो अगर आपने के को रखा तो ये क्या करेगा, अपने को पता अपने इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, तो अगर अपन इनको फ्रीली रखेंगे तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे। जैसे अगर पोटेशियम को अपन ने रखा तो ये किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, K2O पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा। इसी तरह से अगर सोडियम को अगर अपन लेंगे तो सोडियम क्या बना लेगा इसके साथ में, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये ऑक्साइड्स बनाएंगे, फिर ये अपने यूजेबल नहीं होंगे। ओके, तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे होते हैं कि ये मतलब एक्सप्लोजिव भी हो सकते हैं, मतलब इतनी तेज़ी से ये इसके साथ में रिएक्ट करते हैं कि ये बर्न हो सकते हैं, एक्सप्लोज हो सकते हैं। अंडरस्टैंड नाउ, अभी अपन देखेंगे कुछ और एग्जांपल्स जो अपन रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग इनको देखेंगे। ठीक है, तो अपने ये जो देखो, ये तो अपने बेसिकली मतलब अपने जो मेटल्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। इसके अलावा अगर अपन बात करें कुछ और मेटल्स अपन लेंगे, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे कि इनकी जो रिएक्टिविटी है ऑक्सीजन के साथ में वो कैसी है। कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये हो गया क्या, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। इस टाइप से ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, मतलब लेस रिएक्टिव होते हैं। और अपना क्या है, मतलब लास्ट में इसमें ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है, और लास्ट में इसमें अपना क्या होता है, ऑरम एंड प्लेटिनम। और ये जो होते हैं वो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, मतलब बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ में। इसीलिए क्या होते हैं, फ्री फॉर्म में होते हैं अपने इन्वायरमेंट में, ये कैसे होते हैं, फ्री फॉर्म में होते हैं। अंडरस्टैंड नाउ, तो इस टाइप से अपन ने देखा कि जो अपने मेटल्स हैं वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, और क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। अंडरस्टैंड नाउ, इनफ फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट रिमेनिंग चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।